मूर्ख विद्वान शिव कुमार। बहुत समय पहले किसी नगर में चार मित्र रहते थे। उनमें गहरी दोस्ती थी, वो हमेशा साथ साथ रहते थे। उनमें से तीन व्यक्ति बड़े ही विद्वान थे। उन्होंने इतना कुछ सीखा पड़ा था कि आगे और सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। परंतु इतने पढ़े लिखे होने पर भी उन्हें सामान्य बुद्धि बिल्कुल नहीं थी। इन तीनों के विपरीत चौथा इतना पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर उसमें अक्ल और समझ कूट कूट कर भरी थी। एक बार चारों मित्र आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि किस तरह अपने ज्ञान का लाभ उठाकर धनोपार्जन करें और जीवन को सुखी बनाएं। बातचीत के दौरान पहले विद्वान ने कहा, हमें दूर दूर के देशों की यात्रा करके दुनिया के भिन्न भिन्न लोगों के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। हो सकता है कि इस यात्रा में हमें किसी राजा या धनी की कृपा प्राप्त हो जाए, तब हम आसानी से माला माल हो जाएंगे। दूसरों ने ये बात मान ली। तब पहले विद्वान ने कहा, हम तीन जने तो सब विद्याएं पढ़े हैं, इसलिए हमारा सफल होना भी निश्चित है। लेकिन ये चौथे का क्या होगा? ये तो निरा बुद्धू है, इससे कुछ होना तो दूर रहा, सदा हम पर बोझ ही बना रहेगा। इस पर दूसरे विद्वान ने कहा, हमारा हित इसी में है कि इसे घर पर ही छोड़ दिया जाए। लेकिन तीसरे विद्वान ने कहा, दोस्तों के साथ ऐसा बर्ताव करना उचित नहीं है। ये सच है कि इसने पढ़ने लिखने में कभी ध्यान नहीं दिया, पर ये हमारा बचपन का मित्र है, हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। इस तरह आपस में तय करके वो चारों दोस्त साथ साथ लंबी यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते वो एक घने जंगल में जा पहुंचे। इस जगह किसी जंगली जानवर की हड्डियां बिखरी पड़ी थी। हड्डियों को देखकर एक मित्र ने कहा, ये देखो, यहाँ किसी जानवर के अवशेष पड़े हैं, ये हमारे ज्ञान को परखने का सुनहरा मौका है, आओ हम इस जानवर को जीवित कर दें। इस पर पहले विद्वान ने कहा, मैं इसकी हड्डियों का ढांचा तैयार कर सकता हूँ। दूसरा बोला, मैं इसमें मांस मज्जा और रक्त भरकर चमड़ी चढ़ा दूंगा। तब तीसरे विद्वान ने कहा, मैं इसमें प्राण फूंक सकता हूँ। फिर क्या था, पहले ने हड्डियों को जमा कर ढांचा तैयार कर दिया, दूसरे ने उसमें चर्म मांस मज्जा और रक्त भर दिया। जैसे ही तीसरा उसमें प्राण फूंकने के लिए गया, वैसे ही चौथा आदमी चिल्लाकर बोला, ठहरो, इसे जिंदा ना करो, देखते नहीं ये तो शेर है। इस पर तीसरा विद्वान नाराज होकर बोला, मूर्ख, तू मेरी विद्वता पर संदेह करता है, मैं इसे जीवित करके ही छोड़ूंगा। तो फिर थोड़ा रुको, चौथे ने कहा, और दौड़कर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। तीसरे ने शेर को जीवित कर दिया। वो एक खूंखार शेर था। जीवित होते ही उसने तीनों को सामने देखा। वो दहाड़कर उन पर झपटा और तीनों को मार डाला। जब शेर वहां से चला गया, तब चौथा आदमी नीचे उतरा और अपने घर वापस लौट गया। कहानी समाप्त। मूर्ख विद्वान शिव कुमार।